से किसान खड़े हो गए थे, असर हुआ था, किसान कानून वापस हुए। इसी तरीके से पूरे देश के वकील अब खड़े होंगे, स्पीकर वो नहीं होता, खुद ही बक बक करता रहे। और आज के स्पीकर पार्लियामेंट में जो आदमी बना बैठा है वो स्पीकर कम स्पोकर ज़्यादा लगता है। पार्लियामेंटेरियन को सस्पेंड करने की जरूरत क्या थी, क्यों जरूरत आई वो, और क्यों फटाफट 5 घंटे में कानून पास होता है। वो लोग हैं उसी मानसिकता के लोग, कैसे लोगों को छोड़ पाएंगे जब अभी PMLA UAPM है, चीफ मिनिस्टरों को, डिप्टी चीफ मिनिस्टरों को कैसे जेल में रखा गया। ये कितना खतरनाक कानून है, कितना खतरनाक कानून है। जिस आदमी को मौत की सज़ा दे दी वो कैसे करेगा, मोदी महान हो जाएंगे। 3 नए कानून थे। अरे ढाणा है, ये कोई बिल्डिंग थोड़ा है, ये कानून किताब है। वे पुराने हो गए, अंग्रेज़ों ने बनाए थे, अंग्रेज़ों ने तो सारे MPOں के जजों की कोठियां बना रखी है। पुरानी शराब को और ज़्यादा जहरीली और ज़्यादा तानाशाही बना के नई बोतल में डाल दिया और अपना नाम हिस्ट्री में लिखवाने के लिए कि ये मोदी कार्यकाल में ऐसा हुआ था। इसमें पुराने जो कानून थे उनको बदल करके जिस तरीके से न्याय संहिता किया गया है, तो इसमें क्या क्या प्रावधान हैं? देखिए, ये नाम बदल के गुमराह करने की कोशिश है। इसमें न्याय नाम की कोई ज़्यादा चीज़ नहीं। न्याय को ये लोग समझते नहीं, न्याय क्या है। न्याय दरअसल ये है कि पूरा मानव परिवार, देश का 140 करोड़ आपस में भी और नेचर के साथ भी, जो इस देश की जल जंगल जमीन है उसको भी बचा के रखें, वातावरण को भी बचा के रखें, पेड़ पौधे जीव जंतुओं को भी बचा रखें, नदी नालों को भी साफ रखें, इस तरह से कार्य और व्यवहार करके जो जीना होता है वही न्याय के साथ जीना होता है, वही न्याय है। अस्तित्व को सह अस्तित्व रूप में समझकर और अपने आप में हर आदमी, हर सिटीजन इस देश का अपने कार्य और व्यवहार से जीने के तरीके से सह अस्तित्व को प्रमाणित करे वही न्याय के साथ जीना है। और सह अस्तित्व ही न्याय है। और सह अस्तित्व अब इसमें कानूनों में क्या है, इस कानूनों में आम जनता को, सबको एक तरह से अपराधी होने की दृष्टि से देखा गया है, जबकि एक भी मानव, एक भी सिटीजन धरती का ना अपराधी है, ना अपराधी मानसिकता का है, ना आतंकवादी है, ना नक्सलवादी है। वो सब के सब सुख से, शांति से जीना चाहते हैं, हर एक इंसान की तरह से। और हर मानव, हर सिटीजन देश का भागीदारी करना चाहता है इस देश की व्यवस्था में, ताकि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। मगर जो शासन मानसिकता के लोग हैं वो संविधान के बावजूद भी इस देश पे कब्जा जमाए रखना चाहते हैं, और असमानतावादी मानसिकता होने की वजह से और असमानती समानता मानसिकवादा देश में प्रचार करके उसका मिसयूज करके लोगों को गरीब रहने पे मजबूर करना और खुद मलाई खाना, सत्ता की अपने आप को सुप्रीम मानना या चंद हाथों में देश की पूंजी जाना, ये कानून दरअसल उन लोगों को बचाने के लिए है, पूंजीवादियों को और असमानतावादियों को बचाने के लिए है, जो देश में अन्याय कर रहे हैं और देश में अन्याय के करने के साथ वो अपने आप में पैसे से और पदों के पे आसीन हैं और देश को लूट खसोट जो कर रहे हैं और देश की सत्ता पे जो काबिज लोग हैं, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, ये उन लोगों के लिए कानून है, उनके हक के कानून है, ये देश की आम जनता के खिलाफ कानून है, ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बुरे कानून हैं। इनमें कुछ चीज़ें दिखाई गई है, लोगों को लगेगा बड़ी अच्छी बात है, इनके अंदर छुपी हुई चीज़ों को वकील लोग ही, और वकील लोग भी जो लगातार मंथन करते हैं इन बातों पे, फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट पे मंथन करते हैं, देश में असमानता पे मंथन करते हैं, देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ जो लगातार सोचते हैं, वो इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। क्या है इसमें सर कानून में जो आप बता रहे हैं? कानून में देखिए, सबसे पहले तो कुठाराघात है देश के फंडामेंटल राइट पे। देश के लोग बोल नहीं पाएंगे, देश के लोग एक तरह से और ज़्यादा उनको पशु या जानवरों की तरह हांका जाएगा। जो भी कुछ बोलेगा अन्याय के खिलाफ, उसके खिलाफ देशद्रोह के कानून इस देश में के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोग जेलों में जाएंगे, जल्दी से जमानत भी नहीं पा पाएंगे, लंबे समय तक पुलिस को उनको जेल में रखने के लिए उनका पावर दे दिया गया है, इसका बहुत मिसयूज होगा। देखिए, इस देश के अंदर क्या करेगा कानून, जब आपने देखा ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, किस तरह से कितना घटिया कानून देश में पास हुआ और कितनी पार्टियों ने उसमें पैसा ले लिया, और जो सत्ता में बैठे हुए सुशासन की बात करते थे, ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, उन्होंने खुद इस देश का कानून, जो हमारा कानून राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसकी भी ऐसी की तैसी कर दी
और उस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को भी उस पर लागू नहीं होने दिया और देश के सामने ये लोग क्या छुपाना चाहते थे। कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं और कितनी षड्यंत्रकारी मानसिकता है, ये लोग सोच कैसे सकते हैं ऐसा कि इस लेवल पे इस देश 21वीं सदी में है तो आप बातों को छुपा कैसे सकते हो। इस देश के एक एक आर्थिक नीति का पैसा कैसे टैक्स लगाया है, कहाँ पर गया है, इसको टिप्स पे पूरा वेबसाइट पे देश की जनता को मालूम होना चाहिए, तभी देश के लोगों की भागीदारी होगी आर्थिक न्याय में, सामाजिक न्याय में और पॉलिटिकल जस्टिस में। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, किस तरह की गंदगी मची हुई है इस देश में पॉलिटिक्स में, और किस तरह की गंदगी ये देश के युवा खासतौर पर और देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते उस तरह की बात, और कैसे गुमराह करके और कैसे देश के युवाओं को पथ भ्रष्ट करके और ट्रोल सेना तैयार की गई है। इसमें आईटी सेल पूरा एक्सपोज हो गया है बीजेपी का खुद का। ये अपराध में शामिल होने वाले लोग, ये अपराध मानसिकता के लोग क्या कभी इस देश को अपराध मुक्त करने की सोच सकते हैं, या लोगों को का साथ किसी के साथ अपराध हो उस अपराध से उनको मुक्ति दिलाने की बात सोच सकते हैं? ये सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, देश के लोगों का इलाज कैसे किया जाए, जो बोलता उसका इलाज कैसे किया जाए, जो रास्ते में रोड़ा अटकाता है सत्ता में हमें आने में उसका इलाज कैसे किया जाए, जो इस देश में आस्था के केंद्र या झूठे मनगढ़ंत ग्रंथों के प्रचार प्रसार का विरोध करते हैं, जो साइंटिफिक टेंपर की बात करते हैं, जो वास्तविकता की बात करते हैं, जो अस्तित्व के सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उन सारे लोगों के खिलाफ जो कानून बन सकते थे ये उस पर आधारित है, आरएसएस की सोच पे, ये मनु मानसिकता पे आधारित है। उसी तरह के लोग, आप इसकी टीम देख लो पूरी, जिन लोगों ने ये कानून बनाया है, इसके पीछे जो कमेटियां बनी हैं कौन लोग हैं, और इतनी जल्दबाजी इस तरह के कानून बनाने में दिखाने की जरूरत क्या है? जो कानून पूरे देश के लिए है, पूरे देश का भविष्य तय करेंगे, उसमें देश के लोगों के पार्लियामेंटेरियन को सस्पेंड करने की जरूरत क्या थी, क्यों जरूरत आई वो, और क्यों फटाफट 5 घंटे में कानून पास होता है? देश की आवाज़ सिर्फ 5 घंटा सुनी जाएगी और देश के 140 करोड़ लोगों का भविष्य तय करोगे आप 5 घंटे में? और 5 घंटे की भी कैसी बहस थी, वही चमचागिरी की थी, जो लिख के दे दिया वही बोला था उन एमपीओ ने, कोई अपनी तरफ से, कोई देश की जनता की तरफ से, कोई देश के वकीलों की तरफ से, कोई देश के जजों रिटायर्ड जजों की तरफ से, कोई देश के एनजीओ जो और सामाजिक सेवक जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनकी तरफ से कोई भागीदारी नहीं हुई। बिना भागीदारी के डेमोक्रेसी में इस तरह के कानून बनना संभव नहीं है। ये जो कानून बने हैं ये अनडेमोक्रेटिक है, ये अपराध पर आधारित है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे कानूनों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। देश सही विरोध कर रहा है, वकील सही विरोध कर रहे हैं, आज पार्लियामेंट में भी जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, वो सही काम कर रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं, वो देश की जनता की चिंता कर रहे हैं, और देश की जनता को भी अपनी आवाज़ पूरी बुलंद करनी होगी, वरना देश के आम जनता अब से ज़्यादा जेलों में सड़ेगी। जैसे अब भी गरीब गुरबे या माइनॉरिटी के लोग या वो लोग जो पॉलिटिकली कुछ देश के हक में बोलते हैं, विरोध करते हैं भ्रष्टाचार का, वो लोग जेल में जाते हैं, उससे ज़्यादा संख्या और कई गुना बढ़ जाएगी। पुलिस एनकाउंटर बढ़ जाएंगे, पुलिस यातनाएं बढ़ेंगी और देश में की आवाज़ बंद हो जाएगी, देश बोल नहीं पाएगा। फंडामेंटल राइट टू स्पीक एक्सप्रेशन, वो बिल्कुल, अगर किसी को एक दिन भी घर में बिठा दो कि तुम्हें बोलना नहीं है, तब पता चलता आदमी को बोलने की आज़ादी का मतलब क्या है। धाराएं बदल गई हैं, सीआरपीसी की धारा 100 के बजाय संज्ञेय अपराधों में बस टीएनएसएस की धारा 173 के तहत दर्ज किए जाएंगे। बिल्कुल, ये धाराएं बदल दी, जैसे एक्सप्रेस हाईवे का नंबर बदल दो, किसी कॉलोनी में घरों का नंबर बदल दो, कहीं पर बसों का नंबर बदल दो, कहीं पर कोर्ट के कमरों का नंबर बदल दो, ये नंबर बदलने से परेशानी के अलावा कुछ होता नहीं। 95% वही बातें हैं, वही लैंग्वेज हैं, टस से मस भी चेंज नहीं हो रहा, जिसको ये कह रहे हैं अंग्रेज़ों के कानून। अरे अंग्रेज़ों के कानून नहीं हैं, अंग्रेज़ों के कानून कहाँ से रह गए, इतने साल से इस देश में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से विचार कर रही हैं, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और आगे भी बहुत सारे, और बदलाव करने थे तो आप लोग पूरा बदलते, 95% वही चीज़ें हैं, तो बदलाव कहाँ किया है? इसका मतलब जो सच्ची बात है उसमें बदलाव कैसे करोगे? ये बदलाव करके बिना करके पुरानी शराब को और ज़्यादा जहरीली और ज़्यादा तानाशाही बना के नई बोतल में डाल दिया और अपना नाम हिस्ट्री में लिखवाने के लिए कि ये मोदी कार्यकाल में ऐसा हुआ था, मोदी महान हो जाएंगे, 3 नए कानून थे। अरे ढाणा है ये, कोई बिल्डिंग थोड़ा है ये कानून किताब, अगर वे पुराने हो गए, अंग्रेज़ों ने बनाए थे, अंग्रेज़ों ने तो सारे एमपीओं के जजों की कोठियाँ बना रखी हैं, इनको ढा दो, हमें इनको देख के अच्छा नहीं लगता कि इतनी बड़ी 4-4, 5-5, 6-6 एकड़ की कोठियों में हमारे एमपी रहते हैं, जिस देश की जनता 80 करोड़ निशुल्क राशन पर डिपेंडेंट हैं,
इतने महंगे और इतने बड़े घरों में क्यों रह रहे हो भाई? बुलडोज करो इनको, या पार्क बना दो, इनको फ्लैटों में रहो। राष्ट्रपति को भी एक छोटे मकान में रखो, प्राइम मिनिस्टर को भी एक मकान में रखो, ताकि सुरक्षा पे भी ज़्यादा खतरा खर्चा ना आए। अलग अलग कोठियाँ, अलग अलग बंगले, वेस्टेज ऑफ टाइम, जहाँ ये रहते नहीं, मिलते नहीं कोठियों में, इन कोठियों में कुछ और ही होता रहता है। इस लुटियन जोन को बिल्डोज करो ना, या इसको पार्क बना दो देश के लिए। जो पुरानी चीज, फिर तो ताज, इसका लाल किले को भी तोड़ दो, जहाँ राष्ट्रपति रहती है उसको भी तोड़ दो, पुरानी बिल्डिंगें हो गई हैं, क्या कर रहे हो? ये मानसिकता इनकी शासन की है, इसीलिए इनको बड़े बड़े बंगले चाहिए। इनको कुर्सी के नीचे से, इनके कुर्सी, इनके बैग के पीछे कुर्सी सरकाने के लिए नौकर चाहिए, और वो सारे कुर्सियाँ सरकाने वाले लोगों के सिर पर पगड़ी हो, जिस देश के मान सम्मान, जो अंग्रेज़ इसके अपमान करते थे इस देश की पगड़ी का, वही अपमान अब ये लोग कर रहे हैं, और इनके नीचे इन पर कुर्सी सरकाने के लिए, चाहे जज हों हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, चाहे ये पार्लियामेंट में भी देखते हैं हम, ये ड्रामेबाजी हो रही है, ये है मिटाने की चीज़ें, तो जो आदमी की इज्जत तार तार हो रही है। इसमें मौत की सज़ा जो दोषी की याचिका दाखिल कर सकते हैं, सिर्फ दोषी ही दाखिल कर सकता है, अब एनजीओ या सिविल सोसाइटी नहीं दाखिल कर सकता। बताइए कितना खतरनाक कानून है, कितना खतरनाक कानून है। जिस आदमी को मौत की सज़ा दे दी, वो कैसे करेगा? उसके घर वाले, उसकी पत्नी, उसके यार दोस्त और देश के जागरूक इंसान, अगर कोई गरीब गुरबों को, आज तक ज़्यादातर मौत की सज़ा भी गरीब गुरबों को हुई है, अमीर लोगों को सज़ा नहीं हुई है, जिनके जुगाड़ हैं, कई तरह के वकील कर सकते हैं, कई तरह के जुगाड़ कर सकते हैं, उन लोगों को सज़ा नहीं हुई। कानून व्यवस्था लागू करने के लिए कानून के नाम पे इस देश में गरीबों को ही फांसी पे तोड़ा गया आज तक, या माइनॉरिटी को फांसी पे तोड़ा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। फांसी की सज़ा तो देश में होनी ही नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है। राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, इस तरीके से कहा जाता 377, ये उससे भी खतरनाक बना दिया इन्होंने अब, जिसको देशद्रोह के नाम पर बना दिया है। जो भी बोलेगा वही देशद्रोह, जो भी जायज बात करेगा वही देशद्रोह। बाद में कोर्ट में धक्के खाते रहे, जेल में पड़े रहें, और कोर्ट क्या करेंगी? कोर्टों में ज़्यादातर अब वो जज भर्ती हो गए हैं इस सरकार के दौरान, जो इस मानसिकता से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों को हाई कोर्ट में खूब भरा गया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग हैं उसी मानसिकता के लोग, कैसे लोगों को छोड़ पाएंगे? जब अभी PMLA UAPA में चीफ मिनिस्टरों को, डिप्टी चीफ मिनिस्टरों को कैसे जेल में रखा गया, उनकी जमानत पे ही कैसे चर्चा हो रही है, किस किस तरह से काम हो रहा है, और जज क्या टिप्पणी कर रहे हैं, और किस तरह की सुनवाई हो रही है, तमाशा पूरा देश देख ही रहा है। क्या हो सकता है इसमें? जैसे पुलिस को पावर मिल गई है, तो पुलिस तो झूठे FIR भी दर्ज कर सकती है इसमें, करेगी क्यों नहीं? अरे भाई, एक आदमी ने अपनी बदली करवाई किसी SHO थाने में, जहाँ पैसे मिलते हैं, ठगियाँ लगती हैं, थाने बिकते हैं, दिल्ली में बिकते हैं, और तो कहीं की बात छोड़ दो, पूरे देश की तो सिफारिश और पैसा। अब वो आदमी इसमें क्या सुधार होगा? सुधार होगा, पूरा डिस्कशन डिबेट हो, बहुत लोगों के पास में सुधार के काफ़ी रास्ते हैं, काफ़ी विचार हैं, उनको शामिल किया जाए, तभी तो सुधार होगा। नंबर एक तो लोगों को अपराधी ना माना जाए, और अपराधी मानसिकता के जो लोग हैं वो खुद पैदा नहीं हुए इस धरती पे। उस अपराध मानसिकता होने का कारण सबसे बड़ा कमी शिक्षा की है, शिक्षा के मानवीकरण की जरूरत है। शिक्षा में वो पढ़ाई पढ़ाई जाए जहाँ हर बच्चा डिग्री के साथ, डिग्री से भी पहले वो मानव बन जाए, और पूरे 140 और एक पूरी धरती के साथ जीना सीख जाए हारमोनी के साथ, तब डिग्री का महत्व है, शिक्षा का मानवीकरण। और दूसरा, पारिवारिक संस्था मजबूत हो। इस देश में परिवार तार तार हो गया है, कानूनों की वजह से, पूंजीवाद की वजह से, आस्थावाद की वजह से परिवार टूट गए हैं, न्यूक्लियर परिवार हो गए हैं। परिवार रूपी संस्था टूटेगी तो समझो जैसे किसी घर की नींव अगर कमज़ोर हो जाए, पूरा बिल्डिंग गिर जाती है। इसलिए पूरे देश में, पूरे ग्लोबल फैमिली, पूरे वर्ल्ड में भी अमन और चैन नहीं होगा, और ज़्यादा संघर्ष होगा, और ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। और तीसरा एक और कि लोगों को, लोग जो भी अपराध करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय होता है, या उसको परिवार में ऐसा माहौल नहीं मिलता, या समाज में उसके साथ अन्याय होता है, या उसको साथ शिक्षा में कोई न्याय के अनुसार जीने की उसको शिक्षा नहीं मिलती। इसलिए किसी के अपराधी होने में सबसे ज़्यादा जिम्मेवार परिवार, समाज और पूरा देश शामिल होता है। इसलिए अपराधियों को, जो जेलों का नाम रखा है सुधार घर है, सुधारने के कार्यक्रम होने चाहिए। जेलों में भी सुधारने के कार्यक्रम के बजाय भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उनको सुधरने का मौका नहीं दिया जाता है, ओवर क्राउडेड जेल हैं, जेलों के कान में भी सुधार की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे आदमी आके पूरा एक अपने पश्चाताप कर सके और एक अच्छी ज़िंदगी दोबारा जीने में जिसका इंटरेस्ट हो जाए, तभी हमारी कानून और न्यायिक व्यवस्था का महत्व है। अब
कोर्टों का महत्व खाली फैसले सुनाने का नहीं है। ये फैसले सुना के जयराम जी अपनी तनख्वाह लो और अपनी गाड़ी और बंगले रिटायरमेंट पे पेंशन लो, नो, इस देश में भाईचारा स्थापित करना ही जिम्मेवारी है न्यायिक व्यवस्था की, जजों की। जज जितने परिवारों को, जितने लोगों को, समाज को मिलाने का काम करेंगे तभी जजों के होने की सार्थकता है, तभी न्यायालयों के होने की सार्थकता है, वरना ये सब सौदा बेकार है, ये ड्रामेबाजी है। पुलिस तंत्र में कैसे सुधार होगा, जो पुलिस FIR दर्ज करेगी उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? पुलिस के अंदर भी, पुलिस में सुधार की जरूरत है। थानों के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से पुलिस होनी चाहिए। ये पुलिस का घाल मेल अब नहीं चलेगा कि किसी को बदली यहाँ कर दो, किसी को वहाँ कर दो। शुरू में ही अपॉइंटमेंट के वक़्त ही थाने में कौन सी पुलिस होगी, इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सी पुलिस होगी और सुरक्षा के लिए कौन सी पुलिस होगी, ये शुरू से ही अलग होना चाहिए, ताकि फिर कोई उसके लिए जुगाड़बाजी ना करे, नेताओं की, अफसरों की चमचागिरी ना करनी पड़े कि SHO लगना है, नहीं तो पुलिस लाइन में चले जाएंगे। जिनकी सिफारिश नहीं वो पुलिस लाइन में घूमते हैं और जिनकी सिफारिश वो थानों में SHO और क्रीमी पोस्ट पर रहते हैं, जहां ठगी ठोरी और मंथली का दौर शुरू होता है। पुलिस सुधार कानून चाहिए? यस, पूरा चाहिए। पुलिस सुधार कानून चाहिए और जेल सुधार कानून चाहिए और जुडिशियल रिफॉर्म भी चाहिए। जजों के भेजे में, जजों के दिमाग में डालने की जरूरत है। आप फैसला सुनाने की मशीन नहीं हो सकते, आप कंप्यूटर नहीं हो सकते। आपको इस देश में टूटे हुए परिवार को, टूटे हुए भाईचारे को, टूटे हुए दो पड़ोसियों को, टूटे हुए दो समाजों को मिलाने का काम करना है, फैसला नहीं करना। अगर मिलाने का काम करते हैं तो न्याय होता है, और खाली फैसला करते हैं तो खाली रोटी खाने का जुगाड़ होता है जजों का। इस कानून को जो लागू हुआ है, इसका सुप्रीम कोर्ट के वकील या देश भर के वकील किस तरीके से आपको लगता है विरोध प्रदर्शन करेंगे? पूरे कुछ समानतावादी मानसिकता के लोगों को छोड़ के और सरकार के साथ जो लोग सरकारी वकील बने बैठे हैं, जिनके दोनों हाथों में मलाई है, जो पैसे कमा रहे हैं इस सरकार के दौरान, उनको छोड़ के बाकी सब इसके विरोध में हैं। सारे वकील विरोध करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और तो क्या, सरकारी जो वकील हैं, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के जो ऑफिस हैं, इनके ऊपर भी कानून लाने की जरूरत है, इनमें सुधार की जरूरत है। ये आदमी मदारी के बंदर की तरह ना नाचे। एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के सारे वकीलों की ड्यूटी है देश के संविधान के साथ खड़े होना, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के साथ खड़े होना, न कि सरकार की चमचागिरी करके सरकार के स्पोक्स पर्सन बनना। और अब लास्ट में मैं एक बताना चाहता हूँ, जब देश में स्पीकर होता है जो सबको बोलने का मौका दे, स्पीकर वो नहीं होता, खुद ही बक बक करता रहे। और आज के स्पीकर पार्लियामेंट में जो आदमी बना बैठा है वो स्पीकर कम स्पोकर ज़्यादा लगता है। स्पोकर मतलब स्पोक्स पर्सन का छोटा स्वरूप, ये शब्द मैंने बनाया है कि ही इज़ ए स्पोकर, ही इज़ नॉट स्पीकर। लानत है इस देश में कि इस तरह का स्पीकर इस देश में बिठा दिया गया है, जिसको बोलने की तमीज़ नहीं, जो एक मेंबर पार्लियामेंट के साथ किस तरह की बकवास करता है कि जाओ सलाह की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ, चुप हो जाओ, जैसे उसके किसी उसके बाप की दुकान है ये पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसी के बाप की दुकान नहीं है, किसी की निजी दुकान नहीं है, इसको निजी दुकान मत बनाओ। ये देश का वो प्लेटफार्म है, वो अड्डा है, जहाँ पे इस देश के लोग एक तरह से पार्लियामेंटेरियन के रूप में पूरा देश बैठता है और पूरा देश हारमोनी के साथ आगे बढ़ पाए। और वही तभी होता है जब आपस में चर्चा और संवाद के साथ देश आगे बढ़ता है। इसलिए इस स्पीकर को से भी इस्तीफा मांगना चाहिए और इस स्पीकर को हटाना चाहिए। ऐसा नॉनसेंस स्पीकर इस देश में अभी तक कोई नहीं हुआ। ये अंतिम सवाल ये है कि जो ये कानून है अब तो पास हो गए हैं, लागू भी हो गए हैं, तो अब ये जो विपक्ष विरोध कर रहा है या वकील जो विरोध कर रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा और ये कैसे कानून पे रोक लग सकता है क्या? देखिए, जब देश खड़ा होगा तब होगा असर। जैसे किसान खड़े हो गए थे, असर हुआ था, किसान कानून वापस हुए, इसी तरीके से पूरे देश के वकील अब खड़े होंगे। आने वाले दिनों में इस बात का रिजल्ट पूरे देश के सामने दिखाई देगा। और पूरे देश से भी अनुरोध है, क्यों कोई कानून चालाकी से पास किया जाए वो लोकतांत्रिक कानून नहीं हो सकता। वो एब इनिशियो यानी शुरुआत से ही वो इलीगल है, वाइड है, वो गलत है। कोर्ट को भी इस पे रोक लगानी होगी, सुप्रीम कोर्ट को भी, और लगानी चाहिए। और ये कानून दोबारा बने, इनके नाम चेंज हो के ना चेंज हो, वही पुराने कानूनों में एडजस्टमेंट हो सकती है इन धाराओं की, और उन्हीं में दूसरा नाम हिंदी का भी साथ में हो सकता है, उसमें कोई समस्या वाली बात इतनी बड़ी नहीं है। और जहाँ पे कानून जिस देश में बिना पूरी पार्लियामेंट के कानून पास किए जाते हैं वो बदमाशी के अड्डे हैं, वो पार्लियामेंट नहीं हो सकती। दैट इज़ नॉट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट मे बी पार्लियामेंट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी, मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई पार्लियामेंट नहीं होती।
ये देश की जगह है, देश के लिए है, और देश की भागीदारी इसमें नहीं हुई, इसलिए ये कानून देश के कानून नहीं है। आने वाले समय में सब लोग इसका विरोध करेंगे और विरोध करना ही चाहिए, और क्योंकि देश की जनता ही सुपर पार्लियामेंट है, देश की जनता ही सुपर सुप्रीम कोर्ट है, देश की जनता ही सुपर ब्यूरोक्रेसी है। जब ये तीनों अंग, देश की जनता ही सुपर पीएम, सुपर सरकार हैं, ये तीनों अंग मान लो काम ना करें, सरकार, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, तो देश जो असली मालिक है उसको सामने आना चाहिए, ढील और कोताही और सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। वही अपने इन तीनों बेलगाम घोड़ों को नकेल इनकी कस सकते हैं और इनको सीधे रास्ते पे चला सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।